अगर आपके कंप्यूटर का SMPS ख़राब हो जाता है तो आप उसे रिप्लेस कर सकते हैं घर पर ही। सबसे पहले आप उसके स्क्रू खोल लें, चारों स्क्रू लगे होंगे, चारों स्क्रू आपको ओपन करना है। इसके बाद पावर केबल रिमूव करेंगे, मदरबोर्ड पर लगा हुआ जो है मेन सप्लाई वाला, दबा के आराम से प्रेस करके निकालेंगे और 4-pin पावर सप्लाई साइड में लगा हुआ कहीं देख लेंगे और उसे भी आप दबा करके प्रेस करके आप निकालेंगे, स्लॉट लगा रहता है। इसके बाद SMPS को आप रिमूव करेंगे आराम से, थोड़ा सा प्रेशर दे करके, अगर नहीं निकलता तो आराम से आप निकालेंगे। और अगर कोई केबल रह जाता है निकालने के लिए, जैसे SSD हार्ड डिस्क का, तो आप उसे भी आराम से पकड़ करके निकालेंगे, बहुत आसानी से निकल जाता है, सीधे खींचे, ठीक है, थोड़ा स्लॉट रहता है, वैसे ही आपको निकाल लेना है। इसके बाद नया जो आपने लिया है उसे रिप्लेस करना है। हमने ये SMPS समथिंग 550 के आसपास आपको नया मिल जाता है, 1 साल की वारंटी के साथ, तो बढ़िया चलते हैं ये, और इसे हम लगाने वाले हैं। तो सिंपली इसमें ये स्क्रू भी आपको मिल जाते हैं साथ में, तो सिंपली उसी तरह से हमें इसे लगाना है जैसे हमने पिछला वाला निकाला था। तो आप ध्यान रखें कि उसमें जो पावर सप्लाई का जैक है वो नीचे साइड होता है, तो उसी हिसाब से आपको उसी तरह बिल्कुल सेट करना है जैसे पहले वाला निकाला था। तो ऐसे घुमा करके आप उसी में सीधे रख देंगे और रखने के बाद आप उसको सेट करेंगे और सेट करके स्क्रू से वापस उसे कस देना है सही से लगा करके, और फिर जो केबल्स निकाले थे वैसे ही आपको केबल्स भी लगाने हैं। तो यहाँ पर सबसे पहले पावर सप्लाई का केबल देते हैं, इसमें ऊपर खांचा टाइप बना रहता है, उसको मिला करके आपको लगाना होता है। तो सीधे आप उसी में स्लॉट से स्लॉट मिलाते हुए दबा करके आप लगा देंगे, आराम से लग जाता है, थोड़ा सा प्रेस करना पड़ेगा बस। इसके बाद आपको 4-pin पावर सप्लाई लगानी है, ये फैन के आसपास ही होता है, तो 4-pin पावर सप्लाई आप आराम से लगा देंगे जैक को देखते हुए। और इसके बाद आपके पास हार्ड डिस्क या SSD का कनेक्शन बचता है, तो हार्ड डिस्क और SSD के लिए एक ये पावर सप्लाई होता है, आप इसको लगाएंगे, जो भी आपके PC में लगा है हार्ड डिस्क या SSD, तो उसमें आप आराम से लगा देंगे, ठीक है। अगर नहीं बनता तो आप पहले साटा को निकाल के फिर इसको लगा दें पावर सप्लाई, और पावर सप्लाई लगाने के बाद फिर साटा केबल को भी आप आराम से लगा देंगे, आसानी से लग जाएगा ऐसे। और इसके बाद आप चला सकते हैं अपने PC को। हम पावर सप्लाई दे करके चालू करते हैं, ज़रा केबल वगैरह आप सही से अरेंज कर दें कि फैन में ना फंसे, और हम पावर सप्लाई देते हैं और चालू हो गया। तो इस तरह से आप अपने पुराने SMPS को रिप्लेस कर सकते हैं बड़ी आसानी से। किसी भी टाइप के हार्डवेयर या प्रॉब्लम के लिए हमें कमेंट करें अगर आपके PC में कोई समस्या है।